सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया एसटीपीआई भागलपुर केंद्र का उद्घाटन बुधवार को केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे समेत कई गणमान्य लोगों ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने करीब 11 करोड़ की लागत से 10,000 वर्ग फीट में स्वास्तिक आकार में तैयार एसटीपीआई भवन का लोकार्पण करते हुए दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। इसके बाद मंत्री एवं अन्य अतिथियों का स्वागत बुके देकर किया गया। बता दें कि एसटीपीआई के उद्घाटन से आईटी के क्षेत्र में अपना करियर बनाने वाले भागलपुर समेत पूरे प्रदेश के युवाओं को सॉफ्टवेयर डेवलप करने और आय के साधन को बढ़ावा देने का अवसर मिलेगा। वहीं यह सुविधा नहीं होने के कारण आईटी क्षेत्र से जुड़े छात्र छात्राओं को बड़े शहरों में जाकर काम करना पड़ता था। इसको लेकर वरिष्ठ निर्देशक देवेश त्यागी ने कहा कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना का मुख्य मकसद देश से आईटी निर्यात को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि देश में आने वाली नई नई विभिन्न टेक्नोलॉजी को मिस नहीं करने और स्टार्टअप शुरू करने वालों को जिस भी सुविधा की जरूरत होगी वह एसटीपीआई प्रदान करेगी। उन्होंने बताया कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में एआई, ब्लॉकचेन, डाटा एनालिसिस, एग्रीटेक और मेडटेक से जुड़ी सुविधा कंपनियों और युवाओं को प्रदान की जाएगी। इधर बिहार, झारखंड और उड़ीसा एसटीपीआई के क्षेत्राधिकार निर्देशक सूर्य कुमार पटनायक ने बताया कि भागलपुर एसटीपीआई में 110 प्लग एंड प्ले यूनिट्स सीट बनाई गई है, जिसमें आईटी सेक्टर से जुड़े युवा स्टार्टअप या आईटी निर्यात करना चाहें तो कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि फिलहाल 5 कंपनी का रिक्वेस्ट उन्हें प्राप्त हुआ है और आने वाले दिनों में देश दुनिया की कंपनी भी यहां आएगी। इसको लेकर काफी विस्तार देखने को मिलेगा। वहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर और भागलपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अर्जित शाश्वत चौबे ने कहा कि वर्ष 2015 में उन्होंने भागलपुर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क निर्माण को लेकर भारत सरकार के तत्कालीन सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद से बातचीत की थी, जिसके बाद इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद हुआ। 110 सीट बना हुआ है जिसमें कि स्टार्टअप और कोई आईटी निर्यात करने की कोशिश करेगा तो वहीं पे कर सकता है। यहाँ पे अभी लगभग 5 कंपनी का अभी रिक्वेस्ट आए हैं, लेकिन मेरे पास है जैसे कि आईवीएस टेक्नोलॉजीज, सिमांटिक टेक्नोलॉजी, डाटामेटिक्स ग्लोबल एंड इंटेलेक्ट एप्लीकेशन सर्विसेज एंड एक सिक्योरिटी सर्विसेज जो है हैदराबाद कंपनी, वो भी रिक्वेस्ट की है। देन अदर जब भी बन जाएगी तो ऑटोमेटिकली बड़ा बड़ा कंपनी भी यहाँ पे रिक्वेस्ट करने लगेगी। जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया है, इसका प्रमुख मकसद इस देश से आईटी निर्यात को बढ़ावा देना है। उसके साथ ही हम स्टार्टअप इकोसिस्टम भी देश का तैयार कर रहे हैं, जो कि विभिन्न जो हमारी टेक्नोलॉजी हैं जो कि नई नई आ रही हैं, जिसमें कि हम अब अगली बस नहीं मिस करना चाहते, जैसे कि हमारा एआई है, ब्लॉकचेन है, दूसरा हमारा डेटा एनालिटिक्स है और इस तरह की चीज़ें, इनका एप्लीकेशन लाइक एग्रीटेक में है, मेडटेक में है, उसके सारे के सारे जितने भी उद्योगों में जो जाने वाले लोग हैं, जो स्टार्टअप में जाने वाले लोग, उनको जो भी चाहिए, जो भी सुविधा चाहिए, वो एसटीपीआई प्रदान कर रहा है। भागलपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पुरैनी दीननगर में बुधवार को नदी में डूबकर 4 बच्चे की मौत हो गई। घटना को लेकर बताया गया कि नदी में स्नान करने गया एक बच्चा अचानक नदी में डूबने लगा तो दूसरा बच्चा उसे बचाने की कोशिश में गया, लेकिन बचाने के प्रयास में दूसरा बच्चा भी डूबने लगा। वहां पर यह सब देखकर आनन फानन में एक और बच्चे ने पानी में छलांग लगा दी, लेकिन वह भी नदी की तेज धार की चपेट में आ गया। यह सिलसिला यहीं नहीं रुका और डूबने वाले तीनों बच्चों को बचाने के लिए एक और बच्चे ने नदी में कूदकर उन सभी की जान बचाने की कोशिश की। हालांकि एक एक कर चारों बच्चे नदी के बीच धार में समा गए और डूबने से चारों की मौत हो गई। डूबने वाले बच्चों में से 3 बच्चे एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं, जिसकी पहचान 14 वर्षीय मोहम्मद सैफ, 12 वर्षीय मोहम्मद शहनवाज, 8 वर्षीय मोहम्मद अरवाज और 8 वर्षीय मोहम्मद ढिल्लो के रूप में हुई है। वहीं घटना को लेकर फल विक्रेता मोहम्मद साबिर ने बताया कि डूबने वाले 3 बच्चे उनके ही परिवार के हैं, जबकि चौथा बच्चा भी उसी गांव का निवासी है, जो बचाने के क्रम में मौत की आगोश में समा गया। इधर इस हृदय विदारक घटना से पूरे गाँव में माहौल गमगीन हो गया है। वहीं इसकी जानकारी मिलते ही जगदीशपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
तक मेरे पास में मेरा बेटा है, ठीक है। तो हम बेचने आते हैं ठेला पर सामान पूरा पुरानी घूम के बेचते हैं, ठीक है। तो माता जी था मेरे पास में बेटा, तो हम बेटा बोले जाओ बेटा घर जाओ, आज तुम स्कूल गए ना हो, ठीक है, घर में रहना। उसका अम्मी भी बोली थी कि घर में रहना, कहीं जाना नहीं। वो सेब खा रहा था, सेब खाते खाते छोड़ के चला गया, तीनों का तीनों गया। तीनों का नाम क्या क्या था? एक तो का अरबाज नाम है, एक तो का शनवाज नाम है, एक तो नाम है दिल्लो, उसमें एक तो साला है मेरा। दिल्लो जो है वो आपका साला? वो मेरा साला है, वो आज ही आया था। कहाँ का है? बोगरी जमालपुर रामपुर। बोगरी जमालपुर, हाँ, रजिस्ट्री मोड़। घटना कैसे हुआ? घटना नदी में डूबा सर, हम बस्ती में बेचने गए थे। फल फ्रूट बेचते हैं, पूरा साल बेचते हैं, नारियल वगैरह ठेला पर घूम के बेचते हैं। आपको पता कैसे चला? हमको फोन किया आदमी लोग कि आपका लड़का डूब गया सर, हम दौड़ते हुए वहाँ से छोड़ के, ठेला भी मेरा वहीं पड़ा हुआ है बस्ती में, वहाँ से चले आए। एक बच्चा और था, एक बच्चा और है, तो उसके बारे में हमको मालूम नहीं है सर। उम्र सबका कितना था? वो भी उधरे का है, हम सुने हैं अभी तुरंत बोली। बच्चा का उम्र कितना कितना? बच्चा का 12 साल होगा, एक तो का 9 साल होगा, एक तो का 7-8 साल लगभग होगा। साला जो है उसका 7-8 साल, 7-8 साल होगा। बड़का बेटा मेरा 12 साल था। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय के सभागार में प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू का स्थानांतरण होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता सांख्यिकी पदाधिकारी राकेश कुमार ने की। कार्यक्रम में नए प्रखंड विकास पदाधिकारी संजीव कुमार, सांसद प्रतिनिधि पवन किसान, अजय मणि, अंचलाधिकारी रवि कुमार एवं प्रखंड के सभी कर्मचारी व नट बिहारी मंडल, विकास कुमार कर्ण सहित अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू को अंगवस्त्र व बुके कर सम्मानित करते हुए विदाई दी गई। साथ ही नए प्रखंड विकास पदाधिकारी संजीव कुमार को भी फूल माला पहना कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रखंड के कर्मचारी एवं सामाजिक संगठन के लोगों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू के कार्यों की सराहना करते हुए शुभकामनाएं एवं बधाई दी। साथ ही नए प्रखंड विकास पदाधिकारी संजीव कुमार ने सभी के साथ मिलजुल कर कार्य करने की बात कही। इस दौरान प्रखंड के कर्मचारी एवं सामाजिक संगठन के कई सदस्य मौजूद थे। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। भागलपुर सनोखर के नारायण वाटी में आयोजित 7 दिवसीय शिव महापुराण के तीसरे दिन कथावाचक धनंजय वैष्णव जी ने शिव पुराण की श्रवण विधि का वर्णन, मां पार्वती के नामांकन की कथा, शिव पुराण की बिंदेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, सतरुद्र संहिता, कोटिरुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता एवं वायवीय संहिता का वर्णन किया। उन्होंने पतिव्रता स्त्रियों के गुणों का वर्णन करते हुए कहा कि पतिव्रता स्त्री को अपने पति की आज्ञा के बिना कहीं भी नहीं जाना चाहिए। पति के बिना मेले, उत्सव आदि का भी त्याग करना चाहिए। पति की आज्ञा के बिना व्रत उपवास भी नहीं रखना चाहिए। जो स्त्री अपने पति को बाहर से आते देख अन्न जल आदि से उनकी सेवा करती है, मीठे वचन बोलती है, वह तीनों लोगों को संतुष्ट कर देती है। पतिव्रता स्त्री के पुण्य से माता, पिता और पति के कुलों की 3 पीढ़ियां स्वर्गलोक में सुख भोगती है। मौके पर यजमान गणेश प्रसाद सिंह, पत्नी शशिकला देवी, सभी कार्यकर्ता एवं सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे।
भागलपुर सुल्तानगंज थाना अंतर्गत भीरखुर्द पंचायत के उड़ारी गांव से एक युवक के लापता होने का मामला सामने आया है। वहीं मामले को लेकर लापता युवक सोनू कुमार की माता रीना देवी ने बताया कि 10 मार्च को 21 वर्षीय सोनू घर से गायब हुआ था, जिसके बाद बहुत खोजबीन करने के बाद भी उसका कुछ भी पता नहीं चल सका। मामले में सोनू की गुमशुदगी का लिखित आवेदन देने के लिए सोनू के परिजन बुधवार को सुल्तानगंज थाना पहुंचे, जिसके बाद सोनू कुमार के बरामदगी की गुहार लगाई। इधर पुलिस द्वारा लापता युवक सोनू कुमार की खोजबीन शुरू कर दी गई है। भागलपुर सुल्तानगंज नगर परिषद सुल्तानगंज के सभागार में कार्यपालक पदाधिकारी प्रफुल्ल चंद्र यादव के स्थानांतरण पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर सभापति राजकुमार गुड्डू ने की। इस दौरान राजकुमार गुड्डू, उपसभापति नीलम देवी, थानाध्यक्ष प्रियरंजन समेत नगर परिषद के कर्मचारी एवं वार्ड पार्षदों ने कार्यपालक पदाधिकारी प्रफुल्ल चंद्र यादव को फूल माला पहनाकर एवं बुके देकर सम्मानित करते हुए विदाई दी। कार्यक्रम में होली को लेकर मिलन समारोह मनाते हुए एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं भी दी गई। इस दौरान नगर परिषद के सभी वार्ड पार्षद, कर्मचारी एवं सीआरपी अलका देवी, शिल्पी कुमारी, पिंकी कुमारी समेत अन्य कर्मी मौजूद थे। बोर्ड है हमारी जो संस्था है, ये आगे बढ़े, समन्वय अच्छा हो और समन्वय में ही विकास है। और सबसे भी अनुरोध है, ऑफिस आपका कोई गैर नहीं है, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यालय, ये तीन मिलके हम लोग पूर्ण होते हैं। वो आपका ही अंग है और नगर पालिका में बहुत सारी शक्तियाँ हैं, इसके लिए हमको इधर उधर नहीं जाना है। किन्हीं से कुछ चूक होती है तो हमारे पास अधिकार है समझाने का, सारी व्यवस्था है इसमें, तो वो तो बात की बात है, लेकिन व्यवहार और समझा के जो काम लिया जाए वो सबसे बेहतर तरीका है। और